मुनव्वर फारूकी ने पूनम पांडे के निधन पे अब जांच करने की अपील की है। जैसे कि कुछ ही देर पहले जो है मुनव्वर फारूकी दिखाई दिए थे और उसी दौरान ही छोटू ने जो है पूनम पांडे से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा मुनव्वर से, जहां पर उन्होंने बोला कि मुझे सुबह से जैसे ही पता चला कि मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूं। पूनम पांडे बहुत ही अच्छी थी दिल की और मैं तो उसके साथ रहा भी हूं, और अचानक ये सब चीजें हो गई कि मैं सुबह से काफी अजीब सा बिहेव कर रहा था। मैं आज लाइव भी आने वाला था, पर ये चीजें सही नहीं है जिस तरीके से हुई हैं, और इसकी अच्छे से जांच की जानी चाहिए। जिस तरीके से ये हुआ है सर्वाइकल कैंसर, तो ये सर्वाइकल कैंसर एक लड़कियों में ऐसी चीज हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। काफी अलग अलग सिम्टम जो है देखने के लिए मिले, सुनने के लिए मिले, मैंने भी गूगल पे सर्च किया। अगर आप भी जाके इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप जाके जानिए उसके बारे में कि ये क्या होता है आखिरकार। पर सडनली ऐसी चीज हो जाए और अचानक कल बंदा इतना ज्यादा अच्छा है और आज वो दुनिया में ही नहीं है, ये थोड़ा ना हजम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और यही हजम करना मुनव्वर फारूकी के लिए भी मुश्किल हो रहा है। मैं भी यही बात सोच रही थी कि भाई ये क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए सच में। तो हमारी बातों का तो शायद थोड़े बहुत लोग हाँ हूँ करते हैं, पर ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं जैसे कि मुनव्वर फारूकी, अगर इन्होंने ये बात बोल दी है कि भाई जैसे ये चीजें हुई हैं उसके ऊपर जांच करनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा मायने रखती है कि हाँ भाई पता चलना चाहिए, पूरी जनता को पता चलना चाहिए कि आखिरकार हुआ क्या था। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का पूरा केस सबके सामने खुला, सब पता चला कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या है, पर उनको हम पहुंचाने वाले लोग आज भी जो है आराम से हैं। ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा चली उस वक्त, तो आज भी जो है जैसे पूनम पांडे भी जो है काफी अच्छे दिल की थी, सुशांत भी काफी अच्छे दिल के थे, तो पूनम पांडे के साथ ऐसा हुआ क्या है ये पता तो चलना चाहिए ना, ऑडियंस को, जनता को पता तो चलना चाहिए ना। और मुनव्वर फारूकी भी बोल रहे हैं कि वो कल लाइव आएंगे, शो मस्ट गो ऑन, ये बात तो होती ही है। तो मुनव्वर फारूकी कल आएंगे और उन्होंने आपसे वादा किया है कि भाई बस थोड़े दिन रुक जाओ, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो मुनव्वर फारूकी बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं और डेफिनेटली आप लोग एंटरटेन होने वाले हैं। थोड़ा सा समय तो यार इन लोगों को भी मिलना चाहिए ना, इंजॉय करने का, रेस्ट करने का। 3.5 महीने ये एक घर के अंदर रहे हैं, कोई आसान बात थोड़ी ना होती। और मुनव्वर फारूकी के लिए तो भाई ये बिल्कुल आसान नहीं थी, ना तो उनके फैंस के लिए आसान थी। कितनी ज्यादा धज्जियां उड़ाने की कोशिश की है, पर आप लोगों ने जैसा प्यार दिया वो अभी तक भी दे रही हैं। पर मुनव्वर जो है आपको एंटरटेन करने से रुकेंगे नहीं, वो बस बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। क्या आप भी चाहते हैं पूनम पांडे के केस, पूनम पांडे के इस निधन के ऊपर एक्चुअली में स्ट्रिक्ट एक्शन लेके इसके ऊपर जानकारी जो है मिलनी चाहिए लोगों को और इसकी जांच होनी चाहिए? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।